मैं मनोज श्रीवास्तव अपने इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आता हूं, आपने उनको देखा, लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ जीआरएसपी फॉर क्रॉसिंग पोर्शन इन पीएससी टर्नआउट। पीएससी टर्नआउट के क्रॉसिंग के भाग में जो रबर पैड लगते हैं उसको बदली करने का एक आसान तरीका मैं फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा आपको समझा रहा हूं। ये मेरा वीडियो देखिए। आज मैं आपको क्रॉसिंग में लगने वाले रबर पैड के बारे में बताऊंगा। क्रॉसिंग पोर्शन में रबर पैड, 8 रबर पैड का सेट होता है। RDSO ड्राइंग नंबर 6204 से 611। हम 3 ऐसे रबर पैड देखते हैं एक ही साइज के होते हैं और एक एक करके हम रबर पैड डालते हैं और निकालते हैं तो उसमें समय भी लगता है। इसको ठीक करने के लिए हम अपने टेक्मन साथियों मेट और जे को एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं कि आप घटते क्रम के रबर पैड को एक स्लीपर पर रख के और आगे की तरफ बिछा दें। अब मैं आपको क्रॉसिंग पोर्शन में लगने वाले रबर पैड के बारे में बताऊंगा। ये रबर पैड 1:12 में 8 नंबर होते हैं। इसमें पहली ड्राइंग 6204 और 6211 अंतिम रबर पैड का ड्राइंग है। CMS क्रॉसिंग का ये जो जोड़ आप देख रहे हैं ये स्लीपर नंबर 65 और 66 के बीच में बैठता है। हमारा पहला रबर पैड हम बिछाते हैं और नहीं अगर बिछाते हैं तो बार बार लगाने निकालने में समय खराब होता है और हमारे ट्रैकमैन मुकदम को भी समझ नहीं आता है। अब हम सबसे पहले 66 नंबर पर रबर पैड जो रखते हैं इसका नंबर 6204 है। फिर हम स्लीपर नंबर 67 पे जाएंगे, इसका ड्राइंग नंबर 6205 है। फिर हम स्लीपर नंबर 68 पे जाएंगे, इसका ड्राइंग नंबर 6206। फिर हम स्लीपर नंबर 69 पे जाएंगे, 6207। स्लीपर नंबर 70 पे जाएंगे, 6208। और हम स्लीपर नंबर 71 पे जाएंगे और रबर पैड का ड्राइंग नंबर आएगा 6209। स्लीपर नंबर 72 पे हम रबर पैड जो रखेंगे इसका ड्राइंग नंबर है 6210। और 73 नंबर जो आखिरी स्लीपर है इस पे हम 6211 रखेंगे। और ये जो है हील ऑफ क्रॉसिंग जोड़ है ये हमारे स्लीपर नंबर 73 और 74 के बीच में आता है। हम आपको जबलपुर यार्ड में पॉइंट नंबर 102 पर CMS क्रॉसिंग पोर्शन के रबर पैड बदली करने का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं और रबर पैड को स्लीपरों के अनुसार हमने पहले रख दिया है और ERC तोड़ने का काम चालू कर दिया। इस तरीके से दाब लगेगी ये बताएंगे रबर पैड बदली करने के लिए। ये हमने अभी ERC निकाल दी है, आधे घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक ले लिया है। ERC निकाल दे रहे हैं, स्लीपरों पर रबर पैड ड्राइंग नंबर के अनुसार रखे हुए हैं। अब हम सबसे पहले क्रॉसिंग को क्रोबार द्वारा दोनों तरफ से दाब लगाकर उठाएंगे। ये कार्य जैक के द्वारा भी किया जा सकता है। अब हम लाइनरों को एक तरफ से हटाते हैं और रबर पैड को बदली करने का कार्य हम चालू करेंगे। चूंकि रबर पैड इसमें चिपके होते हैं इसलिए उसको खुरच के निकालना पड़ता है। अब दाब लगने के बाद हम लाइनर को हटाकर पुराने रबर पैड को निकालना चालू कर रहे हैं। ये देखिए पुराना रबर पैड हमारा निकल गया है। अब स्लीपर नंबर 68 के पर जो रबर पैड रखा है उसको हम डालना चालू कर देंगे
और ये देखिए हम नया रबर पैड बैठाने लगे हैं और ये हमारा नया रबर पैड बैठ गया है। इसी तरह से हम दूसरे स्लीपरों पर भी रबर पैड को हम बैठा लेंगे और दो हमारी दाब लगी हुई है उसको हम उतार के ERC को लगा देंगे। ये जबलपुर यार्ड के ट्रैकमैन हैं और इनके इंचार्ज मिस्टर जौहर जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं इनके द्वारा आज हमने इस क्रॉसिंग के रबर पैड को बदली करवाया है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।